ये जो आज का लेक्चर है वो एनिमल हस्बेंड्री से स्टार्ट है। एनिमल्स को रखना, रेयरिंग एंड फीडिंग एंड उनकी टेक केयर करना, सारा कुछ ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है। एग्रीकल्चर मैंने शुरू में ही आपको बताया था, विदाउट एनिमल्स एग्रीकल्चर को फार्मिंग कहते हैं। केवल याद रखना इस बात को, विदाउट एनिमल, उसमें एनिमल इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हम फार्मिंग कहेंगे। बट अगर हमने उसमें एनिमल्स को भी रखा तो देन इट इज कंप्लीटली नोन एज एग्रीकल्चर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम जानते हैं गांव में क्या होता है, बुलक का यूज होता है, बफेलोज का यूज होता है, उनका काऊ का यूज होता है। क्या करते हैं उनका, मतलब जो काऊ डंग है या जो बफेलो डंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, खेतों में डालते हैं और उससे मैन्योर या कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। तो ये सब कुछ बहुत फायदे के लिए रहता है। तो कुछ चीजें हैं, जैसे क्या क्या आपको करना है उसके लिए, काऊ, बफेलो, हनी बी, गोट वगैरह भी कुछ लोग लिखते हैं, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना, बट पालते हैं लोग, गोट भी पालते हैं, हेन, हेन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये इकोसिस्टम बनाता है एक, बेटा याद रखना, एक इकोसिस्टम बनता है जिसमें ये सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ताकि बर्ड्स, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स हैं तो वो इंसेक्ट्स खाएंगी जो आपके खेत के आसपास होंगे, तो लोग एक कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं उससे। खैर अभी आते हैं हम लोग, ब्रीड्स, ये जरूर आएगा क्वेश्चन, ये 100% क्वेश्चन आएगा, ब्रीड्स ऑफ द काउ। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ब्रीड्स ऑफ द काउ एंड बफेलो, ब्रीड्स ऑफ द काउ जरूर पूछा जाएगा। मिल्च ब्रीड मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, हाई मिल्क, जिनमें मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे गिर, सहीवाल, रेड सिंधी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पे दिए गए हैं। गिर गाय का दूध जो है A2 मिल्क के नाम से बुलाया जाता है और वो 200 रुपए लीटर बिकता है, और उसका जो घी होता है वो 3 से 5 हजार रुपए किलो बिकता है, कभी आप चेक करना। तो ये क्या है, ये बहुत एग्जॉटिक मतलब अच्छी वैरायटी है ब्रीड्स की, काऊ वगैरह की। तो ये आप याद रखना, मिल्च ब्रीड, ये मैं इसके एग्जाम्पल, ये जो पूरा ब्लैक में बना हुआ है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये नोट भी करना है, नोट करने के लिए मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको। कैटल फार्मिंग हेडिंग डालना, एनिमल हस्बेंड्री सबसे पहले हेडिंग डालना, उसके बाद कैटल फार्मिंग के अंदर इस पैराग्राफ में से आपको सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से जो हो वो लिख देना आप। मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यही लिखना है, आप इसको शॉर्ट में जैसे भी लिखना हो चाहे, जितना चाहे यही लिखना हो इतना ही लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट करके लिख देना चलेगा। ब्रीड्स ऑफ द काउ एंड बफेलो, ये पूरा लिखना है आपको यहाँ से यहाँ तक, जैसे कौन, ये सब मैंने नाम बता दिए, ये भी यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो ये मतलब ये पूरा पेज मैंने मतलब इतना तो आपको बता ही दिया कि इस पेज को अपने हिसाब से आपको लिख लेना है। नीचे वाला तो जैसे दिया एज इट इज वैसे ही लिखना है, ऊपर वाले पैराग्राफ को मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ, आप जैसे चाहो वैसे लिख लो। ड्रॉट ब्रीड, ड्रॉट मतलब जो केवल मजदूरी या काम करने के लिए आते हैं। ओके एक मिनट, ड्रॉ ब्रीड मतलब जो जो केवल काम करने के काम आएंगी, इंडिजीनियस मतलब जो कि लोकल ब्रीड हैं, जो इंडियन ब्रीड हैं उनको कहेंगे, नगेरी, मालवी और हल्लीकर ये सब जो भी हैं। जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स मतलब ये दोनों काम में आती हैं, कुछ काम ये वो भी कर लेती हैं, और दूसरा जैसे क्या लिखा है, इन दिस ब्रीड द काउ आर गुड मिल्क यील्डर एंड बुलक्स आर गुड फॉर ड्रॉट वर्क सम इंडिजिन। अच्छा ओके, यानी कि जो उनकी गाय होती हैं वो दूध देती हैं, लेकिन जो उनके जो मेल होते हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो डुअल पर्पस ब्रीड वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये दोनों भी लिखने होंगे, ये दोनों भी लिखने होंगे। इसके बाद में इन इंडिया फार्मर डोमेस्टिकेटेड मेनली डुअल पर्पस ब्रीड, अच्छा ओके, इंडिया में दोनों पर्पस वाली ब्रीड रखते हैं लोग, क्योंकि दोनों काम आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये सिलेक्टेड एक्साइज ब्रीड्स, यानी एग्जॉटिक या बाहर की ब्रीड कर सकते हो, होल्सियन, हॉलैंड, वो जो व्हाइट कलर की आपको गाय दिखती है बड़ी लंबी चौड़ी, वो जो बनी होती है आपका ब्रिटानिया के चीज के पैकेट के ऊपर बनी होती है, देखना कभी आप, उसके ऊपर होती लंबी चौड़ी सी गाय होती है, बहुत बड़ी सी घंटी होती है उसके गले में, वो स्विस गाय होती है सब, या बड़े दूसरे कंट्री की, स्विट्जरलैंड वगैरह की गाय होती है, जर्सी भी बोलते हैं इसको, जर्सी गाय, बहुत चौड़ी लंबी सी एकदम, जैसे कि मतलब बहुत
बहुत ही ऊंची होती है, दरवाजे के ऊपर 8 9 8 फीट की हाइट तक की होती है वो गाय, बहुत ही बड़ी होती है वो। तो ये हो गया, ये नाम आप याद रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये नाम याद रखना आप लोग, जर्सी और ये ब्राउन स्विस, ये एग्जॉटिक ब्रीड्स के नाम है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीड्स ऑफ बफेलो। ब्रीड्स ऑफ बफेलो इज अ पोटेंशियली द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एनिमल। इट हैज अ लॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अबव 20 ईयर। हाँ, बफेलोस जो हैं 20 साल के आसपास जीती हैं, और ये काफी हद तक मिल्क सोर्स इंडिया में जो है, काऊ के अलावा, काऊ पूरा तो नहीं कर पाएगी मिल्क हमारे लिए, तो इसलिए उसके लिए क्या जरूरी है, बफेलो मिल्क बहुत जरूरी है, क्योंकि बफेलो में फैट ज्यादा होता है याद रखना, और काऊ में प्रोटीन ज्यादा होता है। इसमें वैसे बच्चों को काऊ मिल्क बोला जाता है, और मतलब जो वैसे हम सब हैं, हम लोगों के लिए बफेलो मिल्क अच्छा है। तो ये याद रखना, ये मुर्रा, मेहसाना, सुरती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना यहाँ पे। सुरती, सूरत, सूरत से ही है आपकी, राजस्थान, गुजरात, वडोदरा, ये यहीं पे है, याद रखना आप लोग, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मिलती है सुरती गाय, सॉरी भैंस। तो ये हो गया, और लीटर कितना दूध देती है, और टोटल फैट कंटेंट यहाँ पर दिया गया है उसका, फैट काफी ज्यादा होता है, पर जो अमूल वगैरह का पैकेट आता है उसमें 6% या 5% के आसपास फिक्स कर दिया जाता है कि उसको उतना ही रखना है। तो ये बफेलो वाला टॉपिक भी आपको पूरा नोट करना है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं। पोल्ट्री, मतलब पोल्ट्री में दो प्रकार के बर्ड्स रखते हैं, एक तो जो अंडे देती हैं उनका, एक मिनट। तो ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ, ये पोल्ट्री के बारे में समझा रहा हूँ। पोल्ट्री मतलब जो बर्ड्स को रखना और उन्हें पालना, उसको पोल्ट्री कहते हैं। रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ द बर्ड्स एंड ऑब्टेनिंग एग्स एंड मीट फॉर द कॉमर्शियल पर्पस इज नोन एज द पोल्ट्री फार्मिंग। इट इंक्लूड चिकन, आउल्स, डक, गीज, टर्की, ये सब चीजें होती हैं इसमें, कई सारी इन्हें रखते हैं। एग्स लेइंग पोल्ट्री बर्ड्स आर कॉल्ड एग लेयर, एगर या लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। और जो चिकन वगैरह के लिए यूज होते हैं उनको ब्रॉयलर्स कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें बस दो ही कैटेगरी याद करनी है। अब इसके बाद इसमें पोल्ट्री ब्रीड्स जो हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिजीनियस मतलब जो देसी ब्रीड्स हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं, उनमें जैसे असील, कड़कनाथ, छत्तीसगढ़, बुरसा, ये मोस्ट पॉपुलर ब्रीड असील, पीला, गोल्डन, याकूब, ये सब भी आप लिख सकते हैं। और इसमें सब जनरली जो है जानकारी दी गई है। दे पॉजेस द एडवांटेज ऑफ बीइंग हार्डी, स्ट्रॉन्ग इन पॉजेस नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉमन डिजीज, एडवांटेज ऑफ देसी, हेंस आर दे आर स्मॉलर इन साइज, स्लो ग्रोइंग, दे ले स्मॉल साइज एग एंड लेस नंबर ऑफ एग्स। तो ये बातें मतलब देसी या इंडियन ब्रीड्स के लिए हैं। असील जो है इंडियन गेम जो है, प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ मीट बट इज नॉट गुड एग लेयर। द एवरेज वेट ऑफ हैन वेरीज फ्रॉम 3 to 4 kg एंड कॉक फ्रॉम 4 to 5 kg। तो ये आप एक काम करिएगा, लिखने के लिए आप पूरा मत लिखिएगा, केवल नाम लिख लीजिएगा, बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए लिखने के लिए, उतना काफी है ये। अच्छा, इसके बाद क्या है यहाँ पे, ये एक अलग पैराग्राफ है कि द हाई यील्ड एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स विच हैव बीन सक्सेसफुली एक्लेम्ड एक्लेमेटाइज्ड इंडियन वाइल्ड लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न, ये नाम याद रखना, रोड आइलैंड, पॉलीमॉथ एंड ब्लैक मिमोरा, मिमोरा, ये नाम याद रखना है आप लोगों को। द वाइल्ड लेगहॉर्न इज द मोस्ट पॉपुलर एग ब्रीड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज बॉडी एंड देयर फॉर इट रिक्वायर्ड लेस फीड्स। ये जनरली इंफॉर्मेशन तो आप याद रखेंगे, लिखना नहीं है आपको ऐसा, बस इतना ही लिखना है कि एग्जॉटिक ब्रीड्स के नाम, बाकी उनकी वैरायटीज में जो क्वालिटीज हैं वो आप याद रखना, यहाँ पे ही रहने दो, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल हेडिंग डाल के एग्जॉटिक ब्रीड्स जो हैं वो उनका नाम लिख देना। वैरायटी इंप्रूवमेंट, अगर उनकी हम वैरायटी इंप्रूव करेंगे तो हम क्या चाहेंगे, जो अंडे देते हैं उनमें एग लेइंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, और जिनको हम मतलब कि एज ए चिकन यूज करते हैं उनके अंदर फ्लैश या जो उनका जो मसल ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाए। तो ये एक रीडिंग का टॉपिक है, ये भी लिखना नहीं है आपको,
इट इन्वॉल्व क्रॉस ब्रीडिंग हम करेंगे, यानी कि दो डिफरेंट वैरायटीज को आपस में क्रॉस कराएंगे, एक्जॉटिक ब्रीड्स उनको बनाएंगे, इम्प्रूव वैरायटी या डेवलप द फॉलोइंग डिजायर्ड ट्रेट्स, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द चिक्स, पहली बार डेवलप ड्वार्फ मतलब की जो ब्रॉयलर्स होते हैं, कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन फॉर टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी कि वो गर्मी बर्दाश्त कर सके। मोस्टली होता क्या है, जो ब्रॉयलर्स होते हैं वो पोल्ट्री फार्म में बहुत जल्दी मर जाते हैं, अगर एक मरते हैं तो कई सारे मरते चले जाते हैं। डेवलप ब्रीड विच हैव लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट टू डेवलप वैरायटीज विच यूटिलाइज मोर चीप फाइबर्स डाइट फॉर्मुलेटेड बाय यूजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो आपको बस इतना ही करना है, इसके बाद ये वापस वही प्रोडक्शन जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, ये वापस मतलब ये रिपीट हो गया टॉपिक एग प्रोडक्शन और ये ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ये जरूरी नहीं है, आप इसको रीड कर लेना, पर इसमें जो जानकारी दी है जनरली वो ठीक है, अगर आपको लगता है तो लिखिए, लिखना नहीं सॉरी पढ़िए केवल, लिखना तो बिल्कुल है ही नहीं। केयर हो गया, अच्छा इसके बाद इसमें डिजीज के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिजीज के नाम तो आपको करने ही करने हैं यार, और प्रिवेंशन ऑफ पोल्ट्री डिजीज, जैसे ये पूछा जाएगा कि ये बर्ड फ्लू क्यों कैसी डिजीज है, कोलेरा जो है वो कैसी है, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब पूछा जाएगा। बस उसके बाद जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ पोल्ट्री डिजीज, तो क्लीननेस वगैरह और रेगुलरली मतलब उनका डिस्पोजल एक्सक्रीटा मतलब जो उनका है, किल्स मॉस्किटो, मतलब ये सारी चीजें जनरली स्टडी पर्पस के लिए हैं, केवल उतना ही है, लिखना नहीं है। मेनी ऑफ द पोल्ट्री डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग फॉलोइंग मेजर, द पोल्ट्री बर्ड शुड बी कीप इन द गुड स्पेसियस एरिया एंड वेंटिलेटेड शेल्टर, द शेल्टर शुड बी क्लीन, एक्सटर्नल पैरासाइट शुड बी कंट्रोल्ड, डिफिकेशन मतलब कि जो डिसइनफेक्टेंट मतलब जो उनको इन्फेक्ट हो गया, अगर कोई एक दो मर गया तो उनको तुरंत हटाओ, मच्छर हटाओ, तुरंत मारो उनको। एवरी एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड, रेगुलर इंटरवल ऑफ इम्यूनाइजेशन, तो वैक्सीनेटेड के लिए तो आजकल काफी चल रहा है, तो वो भी आप जानते होंगे, लेकिन ये अलग चीज है। चलिए खैर ठीक है, तो आपका पोल्ट्री वाला ये टॉपिक है, इसके ऊपर का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको मतलब कैटल वाला वो भी है, तो बस ठीक है, बलते हैं फिशरी के लिए नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू।